इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। मीडिया वालों को मेरा नमस्कार। मेरा पोता लव कुमार, जिसकी उम्र 10 साल है, वो मंदिर के सामने खेलते खेलते कहीं गुम हो गया है। जो भी हमें उसका पता बताएगा, मैं जिंदगी भर के लिए उस इंसान का एहसानमंद रहूंगा। उसे 25 लाख का इनाम भी दूंगा। हमारी पुलिस उसे पूरे शहर में ढूंढ रही है, जल्द ही हम उसका पता लगा लेंगे। और उसके लिए हमें आप मीडिया वालों का सहयोग चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग हैदराबाद, आप सुन रहे हैं FM। FM का मतलब रेडियो सिटी 91.1। आज शहर की हॉट न्यूज है किडनैप्स। आपको बता दे, प्यारे मासूम और नादान बच्चों को टारगेट करके उनकी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। रिसेंट न्यूज इज लव कुमार नाम का 10 साल का बच्चा मिल नहीं रहा। अब वो कहीं गुम हो गया है या किडनैप हो गया है, ये कहा नहीं जा सकता। बच्चे के बारे में पता चलने पर रेडियो सिटी को SMS कीजिए। सिटी स्पेस आपका नाम लिखकर 56060 पर SMS कीजिए। पेरेंट्स, आप लोगों को मेरी एक खास रिक्वेस्ट, आप अपने बच्चों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए और उन्हें अकेला कहीं मत जाने दीजिए। सुनते रहिए FM। FM का मतलब रेडियो सिटी 91.1। सर सर, बाहर क्लोज होने का टाइम हो गया, उठिए ना सर। सर क्या हुआ? सर ये ज्यादा पी के आउट हो गए हैं। ये कौन सी नई बात है? क्या इन्होंने बिल पे किया? दिया, और टिप भी दिया सर। ड्रिंकर कैब वाले को फोन करो, वो इसे ले जाएगा। टिप भी ले गया कंजूस कहीं का। हेलो भैया। ओके, 2 मिनट्स में आता हूं।
नमस्ते भैया, मेरा पैसेंजर कहाँ है? अंदर है। I'm the passenger. Hi. I love you. I love you too. कहाँ उतरना है? अबे उतारना क्या है, चढ़ी नहीं। गाड़ी प्रीपेड है, प्लेस और फेयर कंफर्म होने के बाद ही इनकमिंग और आउटगोइंग होगा, इसलिए। तेरा पेमेंट तो मैं दे दूंगा यार। This is 1000 rupees. Take this and enjoy the change. लेकिन ये तो 500 है। बट चलेगा, चलो। अरे चलिए। ड्राइवर पटक दिया। अरे सीधे बैठो ना। सीधा तो होने दे। हेलो। विजय बार एंड रेस्टोरेंट। ओके, 2 मिनट्स। चलो अंदर बैठो। चलो बैठ जाओ। ए, थोड़ा एडजस्ट करो। क्या कर रहा है यार? अरे ये कैब है या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस? पूरा शहर घुमा रहा हमें। भैया पहले तुम्हें ही उतारूंगा। ओके वेरी गुड। ए फर्स्ट मुझे उतार देना। ए चुप, लास्ट में चढ़ता और कहता है कि फर्स्ट उतरेगा। हेलो मास्टर, कब चढ़ा वो पॉइंट नहीं है, कितनी चढ़ी वो पॉइंट है। बिल्कुल सही, मैंने फुल कंट्री चढ़ाई है, पहले मुझे ड्रॉप करना। दारू पीते और इसे ऑर्डर करते हो, मेरी तरह कॉस्टली पियो फिर ऑर्डर करो तो पता लगेगा। ये भाई फर्स्ट मुझे उतार देना प्लीज। कितनी स्पीड में चल रहा है भाई? 60 है भैया। 60 की कोई स्पीड होती का बच्चा समझा? बड़े बैठे यहाँ पे, चल स्पीड बढ़ा। अब हाँ भैया 70 मैं कहता हूँ 220 में लगा। 220 में गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। करेक्ट भाई, सुन ड्राइविंग मुझे दे, अपन 180 पे चलते, स्लो स्लो चलेंगे। 180 स्लो है सर, मैं चलाऊंगा। अरे तुम मुझे दे ना, मैं चलाता। नहीं भैया, ये पकड़ ना, आ जा इधर। हां भाई 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 स्लो रखो। अरे आगे देखो गाड़ी है। अरे क्या कर रहे हो? संभल के संभल के संभल के। ये मेरी रोजी रोटी है। इसका कहते हैं असली ड्राइविंग। बेवड़ो कहीं को। ए, क्या कर रहे हो? अरे अभी बाहर निकलो, मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। चलो बेवड़ा कहीं का। अरे शेजवान चटनी है यहाँ पर, कब लगी? टेबल नंबर 4 में बेवड़ा कहाँ है? हेलो भैया, भैया ये क्या? ये तो बिल्कुल मेरी कार्बन कॉपी है। दुनिया में एक जैसे 7 लोग होते हैं, ये बात तो मैंने सुनी थी। ये भी उन्हीं में से एक होगा। क्या फर्क पड़ता है? ये पीने के लिए पैदा हुआ है, मैं उतारने के लिए पैदा हुआ हूं। भैया अरे कहां जाना है? ये अंधेरा अंधेरे से मिलने तक, वो सूरज से सुबह होने तक है, मुझे किसी सेफ प्लेस पर ले चलो। सेफ प्लेस? अभी इसे सेफ प्लेस के लिए कहां लेकर जाऊं? सर पकड़ लिया। क्या हुआ भाई? तुम कौन हो? बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो। हाँ मैं तुम्हारी तरह, तुम मेरी तरह दिखते हो, तो क्या हुआ? तुम्हारे फादर का नाम क्या है? नरसिम्हाचारी। क्यों? चारी है, पर मैं तो नायडू हूँ। फिर हम दोनों फूड रिलेशन और ब्लड रिलेशन रहे तो ही ऐसा पैदा होते हैं क्या? सत्य पे सत्ता फिल्म में 2 अमिताभ बच्चन नहीं है, उनमें रिलेशन था क्या? इतना ही नहीं, एक और पुरानी फिल्म में बोल रहा था, बोल, उसमें 2 ऋषि कपूर हैं, उनमें रिलेशन था। करेक्ट है,
By the way, मेरा नाम कुशाल है। I am प्रेम कुमार। Sweetly, लोग मुझे लव के नाम से बुलाते हैं। Drinkers cab driver हूँ। समझा नहीं। नहीं समझे? तुम जैसे बार एंड रेस्टोरेंट में पड़े हुए लावारिस लोगों को बार से उठाकर घर तक सुरक्षित पहुंचा देता हूँ। मतलब यहाँ मुझे मैं ही लाया हूँ। ओके। बाप रे। अभी आता हूँ। ए, चाचा, सुप्रभात। ए, कौन है रे तू? आज सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहा है? छे, 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 छे। बेवड़े पीकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये तुमने प्रूव कर दिया चाचा। मुझे बेवड़ा कहता है? तू कौन है ये पहले बता। चाचा, कल रात को तुम फुल पीकर टाइट थे, तो मैंने तो तुम्हें यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाया। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हम सभी बेवड़ों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। प्रोसीड। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा एड्रेस क्या है भाई? नाइट टाइम में इस कैब में और डे टाइम में बस स्टॉप, पार्क में, कहीं पर। असल में तुम्हें इस तरह से रास्ते में नहीं भटकना चाहिए। ये देखो, ये है मेरा घर। इस घर में अकेला रहता हूँ मैं। यहाँ पर आउट हाउस खाली है, आकर रहो उसमें। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं। मैं भाड़ा नहीं भर सकता। भाड़ा कौन मांग रहा है? फ्री। ओ, उस हालत में एसी रूम कमिट कर दिया। देखो बाबू, कमिटमेंट सारे कैंसिल। रेंट 10,000 रुपए, एडवांस 20,000 रुपए, चाहिए तो रहो वरना गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट। अच्छा, 20,000 की बात छोड़िए, 20 रुपए भी नहीं है। पीने के बाद बोलते हैं आओ, उतरने के बाद बोलते हैं जाओ। समझ क्या रहा है? ये कोई धर्मशाला है क्या फ्री में रहने के लिए? तुम अभी तो अंदर गए थे ना, तो फिर बाथरूम से निकल के कैसे आ रहे हो? वैसे कौन कौन हूँ मैं? भैया, मैं यहाँ नहीं रह रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। इधर आ, चल। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अंदर से आने वाला और ये बाहर से आने वाला दोनों सेम दिख रहे हैं। क्या हुई बताना। इतनी सी बात है? ये पैसे रख लो। हाँ, उसे जाके दे दो। ये ले लो। तुम दोनों इतना सेम कैसे दिख रहे हो? मेरे डैडी के डैडी के डैडी के दादाजी और उसके डैडी के डैडी के डैडी के नाना जी दोनों सेम दिखते हैं, इसलिए। ओके, तुम दोनों की माँ तो एक है ना? नहीं, एक ही टैप के नीचे हमने पानी पिया, इसलिए हम दोनों की शक्लें मिलती हैं। मुंह का पट्टा पता नहीं। एक ही टैप का पानी, इसलिए सेम। भैया, इस रूम की लगता है आपको बहुत जरूरत है। क्यों बोलो? मुझे एक लड़की चाहिए। लड़की? भैया, आप जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं। वैसे मैं तो पहले से ही सोच रहा था कि तुम्हारे अंदर कुछ तो है। हेलो। हाँ, मेरा मतलब था कि मुझे प्यार करके शादी करने के लिए एक लड़की चाहिए। अरे यार, असली मैटर बताओ। वो एक लंबी कहानी है। ओ, फ्लैशबैक? तो फिर एक मिनट। अब बोलो भैया। जब मैं छोटा था तभी मेरे मम्मी पापा गुजर गए। उस समय मेरी नानी की तबीयत भी बहुत खराब थी। उन्हें डर था कि मैं कहीं दर दर न भटकूं। अरे सुम्बू, मेरा वक्त हो चुका है। माजी, आपको कुछ नहीं होगा। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, तू पूरी करेगा। बोलो माजी। अपनी बेटी सुबलक्ष्मी की शादी मेरे नाती से करवाएगा। हाँ जरूर माजी, मैंने आपकी बात को कभी टाला है क्या? बचपन से ही सुबलक्ष्मी को देखना, उससे शादी करना और जिंदगी शेयर करना, ऐसी कभी फीलिंग्स आई ही नहीं। तुम्हें कभी फीलिंग्स आया ना आए, मैंने अपनी माजी से वादा किया है तुम्हारी शादी मेरी बेटी से ही होगी। वो बात नहीं अंकल, मेरी बात और से सुन लो। हम इज्जत के लिए जिंदगी दांव पर लगाते हैं। बात इज्जत पे आई तो मैं कभी किसी की नहीं सुनता, सिर्फ फैसला सुनाता हूँ। पर अंकल, और मेरा फैसला है तुम्हारी शादी मेरी बेटी से होगी। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी पसंद की लड़की से नहीं, जो लड़की मुझे पसंद आएगी मैं उसी से शादी करूंगा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना प्लीज, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। तुम अकल के दुश्मन हो, भागते समय कोई अपना पता देता है क्या? वो क्या है ना, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। अच्छा, तो अब क्या करोगे?
लव, मुझे एक खूबसूरत लड़की को ढूंढना है। इस शहर में ऐसी कोई लड़की मिलेगी? मिलेगी। तुम्हें अब हैदराबाद की लड़कियों के बारे में क्या क्या बताऊं? जरा इन्हें देखो, देखते ही रह जाओगे। वो सोचते रह जाओगे, सपनों में आके सताए। इनकी बातें हैं प्यारी, कातिल इनकी अदाए। भैया तेरी इस जन्म में शादी नहीं होगी। अरे तुझे एक से एक मस्त लड़कियां दिखाई मैंने, मुझे ऐसी कोई चाहिए जिसे देखती फ्लैट हो जाऊं। मेरे हार्ट में लव बल्ब जलने चाहिए। अगर उसे जलाना है तो तुझ में फीलिंग्स होनी चाहिए, फीलिंग्स। तेरी जोड़ी ढूंढने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, भगवान के अलावा और कोई नहीं ढूंढ पाएगा। भक्तजनों, माता अन्नपूर्णा देवी आप लोगों की इच्छा और दुखों का निर्वाण करेगी। आपको जो भी इच्छा हो, भगवान से होगा कि नहीं उस माता से पूछ लेते हैं। ओहो, बहुत तामझाम है। ए भाइयो, उस माता को ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे वो योगिनी बहुत पसंद आई। ची 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 ची। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या भैया? देवी का भक्त बनने की सोचो तो गलत बात नहीं है, पति बनने की मत सोचो, ये प्रकृति के खिलाफ है। हाँ माँ, मैं बहुत परेशान हूँ माँ, मुझे मेरे बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है माँ, इस मुसीबत से बचने का रास्ता बताओ माँ। क्या तुम कभी तिरुपति मंदिर गए हो? मैं तो नहीं गया हूँ माँ, लेकिन मेरे माँ बाप और बीवी गए हैं। ओहो स्वामी। स्वामी तुम मेहनत से ऊपर आए हो तो ईश्वर ने कहा है तुम्हें उतनी ही मेहनत से अपनी माँ को मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ानी होगी। ये क्या कह रही है, मेरी माँ तो 2 महीने पहले ही गुजर चुकी है। तुमने अपना रास्ता पूरा तय नहीं किया, इसीलिए बालाजी को गुस्सा आ गया है। अधूरा छोड़ा काम पूरा नहीं कर रहे हो, इसीलिए तुम इतना कष्ट भोग रहे हो। अच्छा, ओहो, तो अब मैं क्या करूँ माँ, तिरुपति जाकर दान करूँ क्या? एक मिनट रुको स्वामी। है? ओहो स्वामी जी से मैंने बात की है, उन्होंने कहा तुम उतना ही दान हमारे यहाँ समर्पित कर सकते हो। अगले हफ्ते मैं तिरुपति जा रही हूँ, स्वामी जी के चरणों में इन्हें मैं अर्पण कर दूँ। बहुत अच्छी बात है। आहा। माता, स्वामी का सेल नंबर मुझे भी दे दो, मैं भी उनसे बात कर लेता हूँ। अपना मुंह बंद कर। हा? क्या हुआ पाक? हा? आपको स्पेशल दर्शन चाहिए? जी हाँ स्वामी। ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चा होगा? जितना भी खर्चा हो चलेगा। तो आप जरा इस तरफ से आइए। लगता है तुझे टकला करेंगे। तुम्हारी क्या समस्या है भक्त? अगर तुम में इतनी दिव्य शक्ति है तो हमारी समस्या तुम्हें पता होनी चाहिए। भक्त, माँ तो सब जानती है, स्वामी को कुछ कहना है तो पहले 1000 रुपए कुंडी में डाल दो। भैया एक मिनट रुको, माता का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। हम दोनों एक जैसे हैं ना, तो हमारी माँ एक है या फिर हमारे पापा एक हैं? हमारी माँ सिस्टर्स हैं या पापा ब्रदर्स हैं? तुम दोनों के बीच में मदिरा और सिर्फ चखने का ही संबंध है, रक्त संबंध बिल्कुल नहीं है। वाह 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 वाह, 100% करेक्ट। और तुम ईश्वर की बनाई सबसे खूबसूरत रचना ढूंढ रहे हो। 1000% करेक्ट। मुझे लव करने के लिए, अपनी लाइफ शेयर करने के लिए एक होशियार और खूबसूरत लड़की की जरूरत है। कितनी खूबसूरत लड़की चाहिए जरा कहो तो। सन्यासिनी नहीं होती तो मैं आपका ही नाम ले लेता। बात क्या है, इतना तुम क्या सोच रहे हो?
वो लड़की अगर मेरे जितनी खूबसूरत हो तो चलेगा ना? माता, बस माता, आपकी जितनी खूबसूरत बस हो गया। एक लड़की जो हूबहू मेरी तरह है, पूर्व दिशा की ओर पार्क में मिलेगी, जाओ। सेम एकदम तुम्हारी जैसी लड़की कैसे आ सकती है? हाँ, मैं नहीं मानता। कामातुराणम न भयम न लज्जा, प्रेमातुराणम न भूतो न भविष्यतो। जब तुम तो हो सकते हो तो हम तो क्यों नहीं हो सकते? मैं चलता हूँ माता। शीघ्र जाओ। भैया मुझे कुछ कंफ्यूजन है, मुझे सब क्लियर हो गया है, तू चल। उनका सेटअप और गेटअप देखकर बिल्कुल चोर लग रहे थे वो लोग। अगर तू मुझे एनकरेज नहीं कर सकता तो डिस्करेज तो मत कर, हो गया इमोशनल। सॉरी है जी। नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैंने आपको ऐसा लगता है पहले कहीं देखा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे तो लगता है आपके साथ मेरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। Exactly, same feelings. रोज आप इस पार्क में आते हैं? आप अगर रोज आओगी तो मैं भी रोज आया करूंगा। तो फिर कल शाम 4:30 को मैं यहीं पर आपके लिए वेट करूंगी। ओ, कहां जा रहे हो भाई? वो माता को दक्षिणा देने के लिए, चल ना। मेरा वॉलेट। बिना मांगे दक्षिणा ले गई। बोला था ना भाई, वो एक नंबर की चोरनी है, कंफर्म। मुझे बिना बताए यहाँ नई दुकान खोल ली। चल। नमस्ते सर। हाँ। कहिए क्या चाहिए? 1 किलो चिकन, 1 किलो मटन, 1 किलो फिश चाहिए। अरे ये चश्मे की दुकान है सर। हाँ। हमें नहीं दिखता क्या? चल चश्मा दिखा। करता है। ये सुपर है सर, एक बार ट्राई कीजिए। ये देखिए नया मॉडल है सर, ट्राई कीजिए। जरा एक सेकंड रुकेगा। ए ब्रो, चीप माल लेने वाला चीप आदमी दिखता हूँ क्या? मुझे कॉस्टली चीज दिखा। एक बार ये ट्राई कीजिए, मुंबई से कल ही आया है, ये मॉडल शहर में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा है ना सर? ले लो ना। एक हमारे लिए भी लो ना। अरे ले लो सर, 7 आइटम खरीदा है तो 2000 रुपए का मिलता है आपको डिस्काउंट। डिस्काउंट नहीं चाहिए, बिल कितना हुआ बोल। ये लीजिए। ये ब्रो, इस आइटम राजा को बिल देने का क्या फायदा? अब इस बिल में जितना अमाउंट होता कैश दिला कर। मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? इस बिल का अमाउंट भरो वरना सारे आइटम यहाँ रख दो। अब वापस रखने बोल रहे। ऐसे करता है तेरी तो। ये अकलमंदी पहले दिखानी चाहिए थी। इस एरिया में दुकान खोलने से पहले जैसे ग्राहक के बारे में पता किया था, बिल्कुल वैसे ही हमारे बारे में भी पता कर लिया होता, याद रखना। आइटम राजा। जैसे चश्मा बेचने वाले दुकानदार को भाई ने अच्छी टोपी पहना दी। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बैचलर के घर में लेडी वॉइस। हाँ। भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। मोटे के घर पे पतली सी लड़की। प्रचोदयात् सर्वमंगलम्। फेस दिखाई नहीं दे रहा है। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये क्या, ये सब बैठे बैठे क्या दिख रहा है? ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः। अरे हटना। क्या देख रहे हो बेटा? अंकल वो अपने घर में जो लड़की आई है ना, कौन है वो? वो लड़की मेरे फ्रेंड की बेटी है। आहा, बहुत अच्छी है। मेरे फ्रेंड की बेटी है मतलब मेरी भी बेटी है। ऐसा वैसा कुछ सोचा ना तो मार डालूंगा। सोचने में भी पाबंदी। हेलो, ऊपर जो तुम्हारे साथ है उसे भी बता देना। जब मैं हूँ तो दूसरे को एंट्री क्यों दूंगा। बाय ससुर जी। अरे बापरे, चाचा चाचा बोलने वाला यहाँ रिश्ते को उलट पलट करके ही चला गया। इस पे नजर रखनी पड़ेगी। क्या लग रही है? काश ये मेरी हो जाए, मजा आएगा। ये लेस खुल गई। इडियट। देखो भाई, पहले राइट जाना, उसके बाद लेफ्ट चले जाना। ओके भाई, डोंट वरी। ये कहाँ चली गई? मैं तो सीरियसली शॉक हो गई। तुम हैदराबाद कब आए? हम सब सोच रहे थे कि तुम दिल्ली चले गए, लेकिन तुम यहाँ कैसे? जिस घर में तुम हो उसी घर में मैं। ऐसा क्या? लेकिन तुम यहाँ कैसे? अमीर पेट में IQ कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया है मैंने। 9:00 का क्लास है, मैं चलती हूँ। क्लास का टाइम हो गया, शाम को बात करते। बाय। बाय। तू जो कर रहा है वो मुझे पसंद नहीं है भाई। मैंने क्या किया यार? परसों तो उस चोरनी को तूने मेन लाइन कहा था, और ये क्या लूप लाइन है क्या? ए, असल में वो लड़की कौन है पता है तुझे? कौन है? वही मेरे पापा के फ्रेंड की बेटी। अंकल की बेटी मतलब वो लड़की। हाँ? मतलब ये सुब्बा लक्ष्मी है? हाँ, सुब्बा लक्ष्मी। अपने सुब्बू है क्या? भैया वो पार्क में अपनी भाभी वेट करती होगी। चल चल चल। भाभी? भाभी कौन है यार? भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? आज पार्क में आएगी बोली थी ना, वही तुम्हारी लवर। हाँ हाँ याद है। अब चलो चलो। हम कब से यहाँ पर वेट कर रहे हैं लेकिन वो आ ही नहीं रही है। टाइम पर आने के लिए वो क्या कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब कर रही है? फ्रीलांसर है वो। ओ भैया कहाँ जा रहे हो? वहाँ है क्या, देख कर आता हूँ। जाओ ढूंढ लो उसे। मैं तुम्हें पसंद हूँ क्या? हाँ, बहुत बहुत। अगर सच में इतनी पसंद हूँ तो मेरे साथ तुम्हें थोड़ी शरारत करनी चाहिए। हाँ, क्या करूँ? शराफत दिखानी है तो सिर्फ एक हग, बदमाशी करनी है तो चार चुम्मे। अरे बाप रे, चार चुम्मे क्यों? तुम कहो तो पूरे 40 चुम्मे दूंगा। Excuse me. Hey, क्या कर रहा है तू? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भैया? एक्चुअली तुझे पता है तू किसके साथ क्या कर रहा है? अरे यहाँ तो सुपा लक्ष्मी थी, ये कौन आ गई? अरे बाप रे। अरे बाप रे, 1+1 ऑफर है क्या? बाय वन गेट वन फ्री, मजा आएगा। एक से बोर हुई तो दूसरा ऑप्शन है। ए, तो। अरे हट, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। अरे तू तो आ ना मेरे पास। चला, चला, क्या कर रहा है? तू भी धक्का दे रहा है? कोई बात नहीं, पैसे निकाल। पैसा वैसा कुछ नहीं, चल भाग।
जब चिपकना था तब तो चिपक लिया, अब पैसा मांग रही हूँ तो डायलॉग चुप कर रहा है। तुम लोग मुझे समझते क्या हो? अपने यूनियन में कम्प्लेन करूंगी, वही सबक सिखाएंगे। क्या कहता है? मैं करूँ कम्प्लेन? तुम दोनों को जो करना है वो करो। भैया अरे ये ले। मैं अभी बीकॉम में पढ़ रहा हूँ। नाम क्या बताया तुमने? मैंने तो नाम भी नहीं बताया। तो फिर अब बता दो। नहीं मैं नहीं बताऊंगा। पर क्यों? मेरा नाम बहुत ही अजीब है, बोलने में भी अजीब है और सुनने में भी अजीब है। चाहे जितना भी अजीब हो मुझे जानना है। एजी मैं नहीं बताऊंगा। एजी दोनों एक जैसे दिख रहे हो बेटी। हाँ? अभी अभी तुमने इसे किस नाम से बुलाया? वो मैंने वो मैं अपना नाम नहीं बताने वाला, बोला ना। तुम्हें मेरी कसम है, बताओ। नहीं नहीं ऐसा मत करो। अच्छा ठीक है बता दो। वो मैंने मेरा नाम है एजी। एजी? हाँ एजी। हाँ तुम भी समझ। तुमने इसे एजी कहकर बुलाया? हाँ अंकल। ये तुम्हारा होने वाला पति है? इन्होंने कहा कि इनका नाम ही एजी है। तो फिर उस बिल्ली आंख वाले ने अपना नाम क्या बताया? वो क्या है ना, मैंने मेरा नाम नहीं बताया सर। तो फिर अभी बता दो। माय नेम इज प्रेम कुमार, लेकिन प्यार से लव कुमार भी बोलते हैं। लव वव यहाँ पर करेगा ना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दूंगा, समझ गया? चल निकल यहाँ से। एजी आप दोनों एक जैसे दिखते हो, लेकिन तुम शरीफ हो और एक नंबर का टपोरी। मैं टपोरी? तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा होने वाला पति एक चोरनी से प्यार करता है। चोरनी मत कहो, देवी कहो, देवी जैसी है वो। मैं भी वही कह रहा हूँ, देवी जैसी रहने वाली चोरनी। ए चुप रहो, पापा फोन कर रहे हैं। हाँ कहिए पापा। कैसी हो? पढ़ाई ठीक चल रही है ना? मैं फिलहाल दिल्ली में हूँ। दिल्ली पूरा छान मारा लेकिन नहीं मिला। उसका एक फ्रेंड मुंबई में भी रहता है, अब मैं मुंबई जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे पति को हर कीमत पर ले आऊंगा, टेंशन मत लेना, अभी रखता हूँ। बाप रे, इसे तो कैसे भी करके पटाना ही है। वॉलेट रखा है। बेसिकली इन समर सीजन वेरी हॉट, स्किन बर्निंग और बहुत कुछ होता है। एक मिनट, क्या हुआ? ब्लिंग 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 ब्लिंग। मेरा वॉलेट, पुराना बकरा निकला। भैया वो चोर ने मेरा वॉलेट मार के चली गई। ए चोर ने रुक, अरे रुक। ओह ए रुक, कहां जा रही है? मेरे महीने भर की कमाई है उसमें। मेरा पीछा करना, तुझे से मारूंगी। अरे 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 डैमेज कर दिया भैया। देखो क्या किया भैया। सॉरी भाई, तेरे वॉलेट में कितने पैसे थे? मैं दे दूंगा 50 रुपए। 50 रुपए के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ लगाई तूने? अच्छा काम किया। रुक तेरे 50 रुपए देता हूँ। जरूरत नहीं है, उसका वॉलेट मैंने ले लिया है। हा?
क्या हुआ अंकल? कुछ खास नहीं, वो जो तुम्हारे दोस्त का वॉलेट खो गया था ना, वही वॉलेट दरअसल इसको मिला है। ऐसे लोग आजकल मिलते कहाँ हैं? वॉलेट लेकर उसके घर तक पहुंचाने चले आए, ये फोन भी ना। तुम लोग बात करो। हेलो, ये ले तुम्हारा वॉलेट और मुझे मेरा पर्स लौटा दो। काहे का पर्स? उसमें का पैसा खर्च कर डाला है मैंने। अरे वो तो सैलरी अमाउंट था। ड्यूटी कहाँ करती हो, मंदिर में कि पार्क में? ये बताओ, लड़की होकर चोरी करने में शर्म नहीं आती? इससे अच्छा कहीं कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती? जॉब किया तो जेब नहीं भरती है भैया। मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, रोज के 3,000 रुपए लगते हैं। कौन से जॉब में रोज के 3,000 मिलते हैं? अगर मैं उल्टे सीधे काम ना करूं तो मैं अपनी माँ को खो दूंगी। मेरी बातों पर ऐसे ही भरोसा मत करो, चाहो तो चलकर देख लो, मेरी माँ से मिल लो, भरोसा होने के बाद ही मुझे मेरे पैसे लौटाना। अब माँ कैसी है डॉक्टर अंकल? 24 घंटे के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं, वेट एंड सी। पहले एक्सीडेंट हुआ था, उड़ाने वाले ने जरा भी मदद नहीं की। बेचने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही सपोर्ट करने के लिए कोई फैमिली मेंबर। ना माँ को मरते देख सकती हूँ और ना खुद को बेच सकती हूँ, इसलिए मैं ये घिनौना काम कर रही हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज मैं ये नहीं ले सकती। इसे गिरवी रखकर तुम अपनी माँ को बचा लो, मैं बाद में इसे छुड़वा लूंगा। सत्या, और एक जरूरी बात, ये चोरी करना बंद कर दो प्लीज। तुम्हारी माँ के ऑपरेशन में जितना खर्च होगा वो सब मैं दे दूंगा। चलता हूँ। भैया, जिसका बस स्टैंड बेड है, ब्रेड ही फूड है, ऐसी सोच रखने वाले को रॉयल फूड और लग्जरी बेड दिया है तुमने, और तुम्हारी लाइफ मेरी आंखों के सामने स्पॉइल हो रही है। मैं देख नहीं पा रहा हूं भैया, देख नहीं पा रहा हूं। तू चाहे जो बोल, बट आई लव सत्या। पीक्स भैया, तुम्हारा पागलपन पीक्स पर चढ़ गया है। दिल से नहीं भैया, दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचो। मैं चाहे जहां से भी सोचूं, पर मैं सत्या से ही शादी करूंगा। ओहो, पागल हो क्या तुम? कीचड़ में क्यों कूदना चाहते हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ए, तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। सॉरी सॉरी भैया, गुड नाइट। अबे निकल, अरे चल निकल। चोरी में भी है। सर जी, आइटम राजा आया हुआ है। आइटम राजा? ये कौन है? इस एरिया में आप नए हो, उसके बारे में आपको नहीं पता। ये आइटम राजा इतना खतरनाक है जितना कि आइटम बॉम्ब नहीं है सेठ। वो अपने शॉप से आइटम खरीदेगा तो आइटम तो देना ही होगा और उस आइटम का पैसा भी देना होगा। मैंने नहीं दिया तो? आपको इतना घिसेगा कि आपको मेरी तरह क्लीनर का काम करना पड़ेगा। हा? मैं सामान को सेव कर सकता हूँ पर आपको सेव नहीं कर सकता सेठ। लेकिन कैसे सेव करोगे? यहाँ बॉस कौन है रे? तुम हो भाई। हमको क्या चाहिए? एक फ्रिज और टीवी चाहिए भाई, बस इतना ही भाई। जरा ये रेट तो देखो। अरे यहाँ देखो, 1 रुपए में टीवी, 3 रुपए में फ्रिज। त्योहार है ना सर, ऑफर सेल, 99% डिस्काउंट। ऐसा है क्या? अच्छा तो सेठ, 5 टीवी, 5 लाख, 15 वॉशिंग मशीन, 15 लाख, 25 फ्रिज, 25 लाख, पैक कर दे। अरे मुनीम, बिल कितना हुआ हिसाब कर ले। 50 हुआ भाई। कितना? 50 रुपया। ओके, ये लो। आइटम राजा को बेवकूफ बनाने वाला खुद आइटम राजा ही है और कोई नहीं। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। मैं आपके लिए ये फल लेकर आया हूँ। कौन हो तुम बेटा? मैं आपकी बेटी सत्या का फ्रेंड हूँ माँ जी। लेकिन मेरा, हाँ,
एक बेटा है। बेटा? कौन हो भाई आप? आप कौन हो भाई? मेरा नाम वसंत है, इनका जो इकलौता बेटा है वो मैं ही हूँ। देखो सत्या, मेरी नजर में प्यार का बहाना बनाने जितना गलत है, प्यार करने वाले को धोखा देना उससे भी ज्यादा गलत है। तुम मुझे बार बार धोखा क्यों दे रही हो? धोखा खाता है वो तेरी गलती है, धोखा देना मेरा काम है, ये प्यार व्यार मेरे पल्ले नहीं पड़ता। मैंने जी जान से तुमसे प्यार किया, मेरी माँ की जो निशानी थी अंगूठी वो भी तुम्हें देती। तुझे वो चेन और रिंग चाहिए ना, एरिया के मारवाड़ी के पास गिरवी रखा है, एक हफ्ते बाद लाकर दे दूंगी। सत्या, मेरा मतलब वो नहीं था, जस्ट तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ ये समझाना चाहता था। कुशाल, मेरी नजरों में पैसे की कीमत और जरूरत तुम्हारे प्यार से कहीं ज्यादा है, इसीलिए कहती हूँ मेरा पीछा करना छोड़ दो, ऑटो यहीं पर रोक दो। सत्या प्लीज मेरी बात को समझो तो, प्लीज सत्या, सत्या प्लीज। ये लो, चले जाओ कुशाल, मुझे भूल जाओ। सत्या ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मुझ जैसे लड़के को मिस करके तुम लाइफ लॉन्ग दुखी रहोगी, चली जाओ। ये लो चॉकलेट, तुम भी लो, ये लो, ये तुम्हारे लिए। दीदी आप इतने दिन कहाँ गई थी? कुछ काम से बाहर गई थी। दीदी ये किट्टू फिर से भीख मांगने गया था। ए कितनी बार कहूँ कि भीख मांगने नहीं जाना है? मेरे पापा ने भेजा था दीदी। तुम लोगों को कॉन्वेंट स्कूल में क्यों पढ़ा रही हूँ? भीख मांगने के लिए नहीं, अच्छे से पढ़ने के लिए, ताकि बड़े होकर तुम लोग इंजीनियर डॉक्टर ऑफिसर बन सको, पर मेरे जैसे ना बनो। ठीक है दीदी, आप ऐसा करेंगे हम ऐसा ही करेंगे। चाचा ये उन बच्चों के लिए पैसे, याद से उन बच्चों की स्कूल फीस भर देना, ठीक है? हाँ ठीक है। हम पर इतनी मेहरबानी क्यों? इसमें कोई मेहरबानी की बात नहीं है, मैं भी तो एक अनाथ हूँ और मैं भी यहीं पली बड़ी हूँ, जब तक मैं हूँ बच्चे अनाथ नहीं होंगे, उनकी परवरिश के लिए कुछ भी करूँगी, उनका ख्याल रखना चाचा। ठीक है बेटी। देख ली मेरी हालत कुशाल? मैंने तुम्हें पहले भी बताया है और अब भी बता रही हूँ, मेरा तुम्हारा मेल नहीं होगा। मैंने अभी तभी नहीं, पहले ही तय कर लिया है कि तुम मेरी ही हो। भैया जरा ध्यान से सोचो, 10 बच्चों को अगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने जाओ तो बैंड बच जाएगी, उनके लिए ड्रेस लो, शूज लो, बेल्ट लो, टाई लो, बुक्स लो, और लिखने के लिए पेंसिल, शार्प करने के लिए शार्पनर और मिटाने के लिए रबर चाहिए। कम से कम एक बच्चे पर 2000 पकड़ोगे तो महीने का 20,000 होता है। 20,000? हाँ, उतना कहाँ से लाऊं यार? सिंपल भैया, बैंक में 10 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट कर दो, 2% इंटरेस्ट के हिसाब से महीने का 20,000 हो गया। 10 लाख? इतने शॉर्ट टाइम में मनी गेन कैसे करूं यार? इंस्टेंट मनी गेन करने के लिए छोटे छोटे रास्ते होते हैं, वो क्या है ना, रेस लगा सकते हैं, जिस घोड़े पर तुम दाव लगाते हो वही घोड़ा जीतना जरूरी है, और दूसरा ताश खेल सकते हैं। अब अगर ताश खेलो तो 3 पत्ती हमारे हिस्से में गिरनी चाहिए। ए, हो गई तेरी बकवास, कोई और रास्ता है तो बोल। नाम लवा कुमार, इसे ढूंढने पर 25 लाख का इनाम। सपोज, जस्ट सपोज, ये जो नन्हा बच्चा गुम हुआ है वो अगर हमें मिल जाए, सोचो इन्वेस्टमेंट भी जीरो है। ऐसा हो सकता है? ऐसा ही होगा भैया, ऐसा ही होगा। क्या हुआ है इतना? तो तुम लोग मेरी मैयत पे भी मुंह नहीं लटकाओगे रे, चला जाए भैया। आप पीने को कहोगे तो भी पियेंगे नहीं भाई। ऐसा क्या हुआ, आइटम छोड़ के चली गई क्या? आइटम छोड़ के जाए भाई तो इतनी तकलीफ नहीं होती। फिर बात क्या है? घर में पैसे नहीं, इसीलिए घर वाले सारी चीजों को भंगार में बेच रहे हैं, उन्हें चोरी की चीजें नहीं रोकड़ा कैश चाहिए। तो फिर क्या करे? कोई बड़ा क्राइम करके पैसे कमाते हैं भाई। तो फिर
सुपारी लेके मर्डर करे क्या? भाई रहन दो भाई, अगर हम जेल गए ना तो हमारी घरवाली बाहर आ जाएंगी। वैसे भी जमाना बड़ा खराब है। कुछ और सोचो भाई। तो फिर लैंड सेटलमेंट करते हैं, खाली जगह पे कब्जा करके पैसे मांगते हैं। क्या बोल रहे हो भाई, क्या बेकार की बात है। हमारे शहर में कोई जगह खाली ही नहीं बची है, और अगर खाली है तो उसमें 10-20 बार पहले कब्जा हो चुका है। तो फिर करे क्या? किडनैपिंग करते हैं भाई। किडनैपिंग करे? हाँ भाई, किसी बड़े घर के अच्छे बच्चे को किडनैप करके हम बहुत से पैसों की डिमांड करेंगे, और अगर वो कहेंगे कि वो पुलिस के पास जाएंगे तो हम उन्हें ये कह के डराएंगे कि अगर ऐसा किया तो बच्चे की जान जाएगी। इससे हम लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे भाई। हाँ भाई, भाई ये आइडिया एकदम सेफ है भाई। तुम लोग तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। चलो चाय पियो। पैसे की वजह से ही मेरी लाइफ बनेगी, पैसों की वजह से लाइफ में वाइफ आएगी, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। भैया प्रॉब्लम को बार बार याद करके दुखी होने का कोई फायदा नहीं है, ये इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला। जब सॉल्व होना हो तो हो जाएगा। सही बोल रहे हो। भैया वो पेपर वाला बच्चा, उसे पकड़ो तो 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए हमारी आंखों के सामने ही खड़े हैं यार। चलो चलो। कहाँ गया, कहाँ गया? ग्रह अगर लात मारे तो खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। चलो भैया। भाई वो लड़का बेंज कार से उतर रहा है तो सोचो उसकी रेंज क्या होगी। उसे ही किडनैप करते हैं और 20 लाख का डिमांड करते हैं। सिर्फ 20 लाख क्यों, 50 लाख डिमांड करते हैं। ए स्मोक बम ले गया। बच्चा मेरी आंखों के सामने है, शूट कर दूं क्या? तो क्या उसे हार पहनाएगा? उसे इसी वक्त शूट कर। ठीक है भाई। ठीक बेशरम। बेवकूफ। एकदम बुरा चॉइस है। भैया वहां देखो। मिस हो गया था, सडनली जाकर पकड़ा तो डर जाएगा। साइलेंटली जाकर पकड़ लेते हैं, इस बार मिस नहीं करेंगे। चलो फेंक दे। बच्चा कौन है? ये बच्चा गुम हुआ था, इसको इसके मम्मी पापा के पास हम ही पहुंचाएंगे, और वो लोग हमें 25 लाख का रिवॉर्ड देंगे, ऐसा पेपर में भी दिया है, जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम लोग ये पैसों के लिए कर रहे हो? इस बच्चे को उसके मम्मी पापा को दे दो, उन लोगों की दुआ मिलेगी तुम दोनों को। वेलकम टू साक्षी न्यूज। प्रमुख व्यवसायी श्रीसा ग्रुप ऑफ कंपनी के MD प्रसाद राव जी का पोता आधे घंटे पहले दिलसुख नगर के कला मंदिर से किडनैप हो गया है।
बच्चे ने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से स्कूल से घर आते समय नए कपड़े लेने की जिद की। वो उस बच्चे को मना नहीं पाए और मजबूरन उन्हें उसे कला मंदिर ले जाना पड़ा। उसी दौरान स्मोक बॉम्ब की मदद से कुछ गुंडों ने उस बच्चे को किडनैप कर लिया। बच्चे को बचाते वक्त एक बॉडीगार्ड को बंदूक की गोली लग गई और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। कमाल की बात यह है कि ये बच्चा पहले भी किडनैप हुआ था पर उसे ढूंढ लिया गया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए साक्षी न्यूज़। एजी, शायद आपने पुराना न्यूज़पेपर पढ़ा है। बच्चा ऑलरेडी गुम होकर उसके पेरेंट्स को मिल गया था। मिल गया था? मतलब बच्चे को आपने दोबारा किडनैप किया है? किडनैप किया है? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ए रंगा, मैंने तुम लोगों को राणा के पास काम पर लगवाया था ना, और तुम लोग मुझे ही मारना चाहते हो। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखेबाजी नहीं की, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। खुद पर मैंने जितना विश्वास नहीं किया, अपने बाप पर नहीं किया, उतना तुझ पर किया। और तुमने क्या किया? राणा, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखेबाजी नहीं की। अगर कमिटमेंट में लॉस हुआ तो सह लूंगा, बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन धोखा दिया तो मार दूंगा। किडनैप हुए उस बच्चे को हर जगह ढूंढा गया पर उसका कोई पता नहीं चल पाया है। हमने बच्चे की माँ का इंटरव्यू लिया है, देखते हैं उनका क्या कहना है। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना मैं दे दूंगी। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें जो कोई इन्फॉर्मेशन देगा उसे जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी। एक माँ की तकलीफ समझे, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। इसके बारे में लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। वो किडनैपर मुझे मिल गया ना तो उसकी बोटी बोटी कर दूंगा। अगर वो किडनैपर एक बार मिल जाए ना तो उसके बाल की जगह गर्दन काट दूंगा। बच्चे को किडनैप करने वाला मिल जाए उसे काट कर मिर्ची पाउडर लगा दूंगा। पहले टीवी बंद करो। बहुत गुस्सा है हमारे समाज। टीवी पर जितने लोग दिखाए सब भड़के हुए हैं। भैया कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन, बच्चा लौटाने के लिए। ऐसा मत करो लवा, हमने तो कोई गलती नहीं की है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। इमोशन में आके रॉन्ग डिसीजन मत लेना भैया, प्लीज। ये पुलिस स्टेशन, ये अरेस्ट, ये किडनैपिंग, इसकी हमें क्या जरूरत है? भैया पैसों की जरूरत मुझसे ज्यादा तो तुम्हें है। एजी, पिछली बार जब ये बच्चा किडनैप हुआ था तो कोई आदमी उसे बचाकर घर ले आया था, लेकिन उस आदमी को मार दिया गया ऐसी खबर आई थी, इसलिए थोड़ा संभल कर। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। पापा फोन कर रहे हैं। स्पीकर ऑन करके बात करो। हेलो बेटी सुब्बू। हाँ, पूरा मुंबई भी छान मारा लेकिन दामाद कहीं नहीं मिले, सुबह तक हैदराबाद पहुंच जाऊंगा। पापा उन्होंने मुझे गोवा से फोन किया था। वहाँ पर क्या कर रहा है वो? उन्होंने ना वहाँ पर एक लड़की से टाका फिक्स किया है। जी 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 जी, गोवा में लाओ। उसका नंबर दे मुझे। पब्लिक फोन से फोन किया था पापा, कॉल बैक किया तो वो वहाँ से चले गए थे। मैं अभी गोवा जाकर उसे ढूंढकर उसे पकड़ कर लाऊंगा, तू बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? ठीक है पापा। बाप रे, गोवा गए हो कभी? वहाँ किसी भी लड़की को देखो तो बहुत सुंदर लगती है। इनके दामाद को मैं प्रणाम करता हूँ, उन्हीं के चक्कर में तो हम पूरा इंडिया घूम रहे हैं। तुम लोग क्या सीक्रेट सीक्रेट बात कर रहे हो? नहीं मालिक नहीं, हम दामाद के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत प्लान कर लिया, पहले गाड़ी में बैठो। अंकल
अंकल आप सब कौन हो? हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। अंकल मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है अंकल। ले जाने के लिए ही लाए हैं, जब तक हम ले नहीं जाते तब तक जरा सा शांत रहना। ओके अंकल, आज मेरा हैप्पी बर्थडे अंकल। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। मालिक पानी लीजिए। माँ ने फोन किया था? नहीं किया था, सुबह से कितनी बार बोला फिर भी वो पानी तक नहीं पी रही है। कमिश्नर ने कहा कि कल तक वो हमारे बच्चे को ढूंढ निकालेंगे। पुलिस, प्रेस, मीडिया सभी हमारे बच्चे को ढूंढने में मदद कर रहे हैं। प्लीज तुम टेंशन मत लो, प्लीज कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। तुम चले जाओ यहाँ से। प्लीज लीव मी अलोन। बच्चे का कुछ पता चला कि नहीं अभी तक? नहीं अंकल, प्रेस में दिया है, कंप्लेन भी किया है, जल्दी ही कुछ होना चाहिए। अंकल आपका कोई पुराना दुश्मन है क्या? ये हाथ मदद के लिए उठते हैं, किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। समझ में नहीं आ रहा, ऐसे में मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? फिर बच्चा कहाँ है, कैसा है, खाया भी है कि नहीं, कुछ पता नहीं। चल अब इसका हाथ खोल दे। भाई मुझे माफ कर दो प्लीज। भाई मुझे मत मारो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ भाई, मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ। अरे तू मेरा भाई जैसा नहीं है रे, मेरा छोटा भाई ही है, लेकिन तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तुम लोग 10 सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी 25 लाख की लालच में आकर तुमने उस बच्चे को उसके हवाले कर दिया। अब सब के सब मरोगे। इस बार बच्चे को मार कर ही वापस आऊंगा भाई, ये मेरा वादा है। ठीक है, लास्ट चांस, जा। ठीक है भाई। हाँ भाई, अगर इस बार बच्चे को नहीं ला पाए तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चलो जाओ। ठीक है भाई। उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। क्या क्या चल रहा है आजकल की हीरोइनें छोटे छोटे कपड़ों में गरम गरम एहसास दिलाती है भाई। कैसा गरम गरम एहसास रे? इतना गरम की छाती 15 तोड़ तो ऑमलेट। देखना है तो फ्रंट नहीं बैक देख। नहीं का बैठो, मेरा बैग देखने को नहीं कह रहे, पेपर का बैक पेज देखो। उस दिन शॉपिंग मॉल में जो बच्चा दिखा था ना, वो बच्चा गुम हुआ है, उसे ढूंढ कर दोगे तो 25 लाख मिलेगा, और अगर डिमांड किया तो 1 करोड़ तक भी मिल सकता है। भाई एक आइडिया है। क्या? अगर बच्चे को पकड़ के उनके सुपुर्द किया तो इनाम का 25 लाख मिलेगा। हम एक काम करते हैं, इनाम की रकम को 50 लाख करके छपवा देते हैं, उसके बाद किसी को बच्चा मिलेगा तो वो हमें ला कर देगा। तब हम 1 करोड़ की डिमांड करेंगे, 50 लाख लाने वाले को देंगे, 50 लाख अपन रख लेंगे। क्यों, कैसा आइडिया भाई? अपने पास कैश कितना है? क्यों भाई, कार लेनी है। लेकिन उसके लिए कैश क्यों भाई? लेनी मतलब खरीदनी है रे। कार के लिए कैश क्यों भाई, हमारे लिए तो सब फ्री है। हमने बिजनेस बदल दिया ना, अब फ्री में कुछ नहीं, पैसा दो और खरीदो। अरे वाह आइटम राजा भाई, कैसे हो भाई? भैया पानी के लिए पैसे नहीं है, थोड़ा मदद कीजिए भाई साहब। आगे बढ़, इनके पास पैसे नहीं होंगे।
बोलिए भाई, क्या पेश करूं, कोल्ड ड्रिंक या हार्ड ड्रिंक? ए, हमें कार दे दे यार। आप सेकंड हैंड कार लेंगे? तो हम लोग कौन से फर्स्ट हैंड है? आपकी इमेज के लिए गंदा रहेगा भाई। तो हम लोग कौन से साफ सुथरे है रे? अच्छा ये बता, ये वैन कितने की? अगर इसे रेट बताए तो उतना ही पैसा मुझसे ये ले लेगा। फ्री है भाई, फ्री है। अरे यार, लाइफ में पहली बार पैसा देके कुछ खरीदने आया हूँ और ये बोल रहा है कि फ्री है। बाबू, क्वार्टर के लिए वाटर नहीं है, थोड़ा मदद कीजिए। ए, उसे यहाँ लेके आ रहे। ए, इधर आ रहे, ये ले। भाई, ये भाई तो चल निकला। पहले पैसा उठा। हाँ, क्या यार, दान करो या ना करो समस्या ही है। ए, इसे जल्दी से शमशान लेके जा, तेरे गिफ्ट के बदले मेरा ये रिटर्न गिफ्ट है। गले में किच किच, पोशन में कुछ कुछ, बॉडी में छोटा मोटा प्रॉब्लम चलता ही रहता है। अब बोलिए क्या है? मेरे पोते का कुछ पता चला? हम कोशिश कर रहे हैं ना, हम आराम से नहीं बैठे हुए हैं, मिलते ही आपको बता देंगे। प्लीज सर, मैं मेरे बच्चे के बिना रह नहीं सकती। देखो मैडम, 24 घंटे में तुम्हारे बच्चे को ढूंढना मेरी जिम्मेदारी, तुम टेंशन मत लो। टीवी और पेपर में आप ये न्यूज़ दे दीजिए। ऑलरेडी दे चुके हैं सर, लिखा था कि 25 लाख का इनाम भी देंगे। पब्लिक ने पकड़ा तो 25 लाख हैं, और पुलिस ने पकड़ा तो 25 रुपए भी नहीं। ठीक है, मिलते ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे, अब आप जाइए। भैया, हम बच्चे को उठा कर लाए, थोड़ा पैसा मिलेगा सोचकर हमें लालच आया। अरे बाप रे, उल्टा किडनैपर का टैग लग गया। अब ये सब छोड़ो भैया, एक काम करते हैं, इस बच्चे के घर जाकर इस बच्चे को दे देते हैं, वो जितना भी पैसा देंगे उससे 5 कैब खरीद कर सेटल हो जाते हैं। अब बस इस कंफ्यूजन को मैं सह नहीं पा रहा हूँ भैया, वैसे ही मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में हूँ। तुझे भला क्या प्रॉब्लम है? मतलब मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मुझे क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती? वही तो प्रॉब्लम बता। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। क्या कहा? तू कसम से किसी लड़की से प्यार करता है? क्या भैया ऐसा बोल रहे हो? I hurted you know, मैं सच में प्यार कर रहा हूँ। सच में प्यार करता है? तो कौन है वो लड़की? मैं बोलूंगा तो आप बुरा मान जाओगे। उस दिन पार्क में। ए चीची भैया, वो नहीं। तो फिर कौन है? वो अपनी सुब्बा लक्ष्मी भैया। भैया ऐसे सीरियसली मत देखो, मैं सीरियसली उससे प्यार करता हूँ। ध्यान से सुन लवा, मैं सुब्बा लक्ष्मी को तब से जानता हूँ जब हम छोटे थे, वो सच में बहुत संस्कारी लड़की है, तुझ जैसे टपोरी के साथ उसकी नहीं जमेगी। मुझ जैसे टपोरी को ही ऐसी लड़की पटती है भैया, और तुम जैसे संस्कारी लड़कों को टपोरी लड़की। वो सब छोड़ो ना भैया, मैं सुब्बा लक्ष्मी को फूलों से सजाऊंगा भैया। लेकिन कैसे? वही बच्चे को दे देंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे ना, उससे मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। क्या हुआ भैया? बेटा अब अपनी नैया खुद ही पार लगा ले। भैया हाय। देखो लव, तुम और वो एक जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम सच में उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हो। चाहते तो मना कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, उन्हें हर कदम पर तुम मदद कर रहे हो। तुम टपोरी तो हो लेकिन प्यारे भी हो। करेक्ट करेक्ट। सुबह लक्ष्मी, इतना सब कुछ बोल दिया लेकिन जो बोलना था वो तो बोला ही नहीं। मैं छोटे गांव से हूँ, मुझे शर्म आती है। लेकिन मुझे नहीं आती। एक चाय देना। क्यों काका, बच्चे के बारे में कुछ पता चला? उसे ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन जो भी कोशिश कर रहे हैं सब बेकार हो रही है। बच्चा मिले तो मुझे भी जरूर बताना काका, क्योंकि मुझे डर है कि वो लोग उस बच्चे को मार ना डालें। ऐसा नहीं होगा, न जाने कौन है वो लोग जो हम सबको इतनी तकलीफ दे रहे हैं। जब से वो बच्चा गुम हुआ है उसकी माँ की हालत बहुत ही खराब है, अन्न का एक निवाला तक उसने मुँह में नहीं डाला।
पता नहीं क्यों भगवान भी अच्छे लोगों को ही कष्ट देते हैं। हम क्या कर सकते हैं काका, अगर उस बच्चे को मिलना है तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। हे लव। हाँ भैया बोलो। मैं अभी अभी बच्चे के घर से इंक्वायरी करके आ रहा हूँ, तू बच्चे को तैयार कर, मैं अभी घर आ रहा हूँ। वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो ठीक है भैया, अब वो 25 लाख की बात कंफर्म है ना? कंफर्म है, तू जल्दी से बच्चे को तैयार कर, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। तकड़े तकड़े ता, अरे 25 लाख रुपए आ रहा है रे। पैसा 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 पैसा, अरे बनकर बनकर। अंकल अंकल, क्या डांस किया आपने? अबे मार डालेगा क्या तेरी तो। तुझे कैसे मारू, तू मेरा बेरर चेक जो है। छोटू बच्चे रुक यार, ऐसे क्यों रो रहा है तू? मुझे आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम चाहिए? कुशल अंकल को फोन करता हूँ, वो आते समय ले आएंगे। मुझे अभी चाहिए, नहीं तो मैं जोर जोर से रोऊंगा। बाप रे, अब मत रोना। हाँ मैं अभी लाता हूँ, तब तक ना तू टीवी पर कार्टून देख। कुशाल कुशाल, लगता नहीं उसके नसीब में उसका चेन है। बाहर से तो डोर लॉक है लेकिन अंदर से टीवी की आवाज आ रही है। इस बच्चे को मैंने कहाँ देखा है? कहाँ? हाँ, पेपर में देखा है मैंने। इस बच्चे को लौटा दिया तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। हेलो हेलो पीपी। हाँ बोलो सत्या। बच्चा लौटाने वाले को 25 लाख रुपया दोगे, पेपर में ऐसा छपवाया था ना? हाँ। ये खबर सही है क्या? ओहो छपा है तो जरूर मिलेगा। यस। हेलो हेलो, थैंक यू सर। नमस्ते जी। अरे आइए आइए बैठिए बैठिए ना। आपका बेटा हमें एयरपोर्ट में मिला। बच्चा कहाँ है जी? आइसक्रीम खिलाने के लिए कांस्टेबल से बाहर लेकर गया। बच्चे को किडनैपर कहीं शिफ्ट करना चाहता था तभी वो पकड़ा गया और मैंने आपको बुला लिया। ए, अपना चेहरा दिखाई ने। ये तो मेरे दामाद जी हैं। दामाद है आपका? फिर आपके पोते को उसने किडनैप क्यों किया? किरण अपने बेटे का किडनैप क्यों करेगा? श्रीशा के पास एक है, किरण के पास एक है, दोनों ट्विंस बच्चे हैं। ट्विंस हैं? हाँ जी। ए, उन्हें सेल से बाहर निकालो। ओके सर। सॉरी किरण जी, ये ट्विन ट्विंस का मुझे पता नहीं था। सर सर। ए, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? और वो बच्चा कहाँ जो तुम्हारे साथ गया था? सर, बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है सर। किडनैप कर लिया? हाँ सर, वो बच्चा वो बहुत हो गया आप लोगों का ड्रामा। ए, तेरी कहानी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए बस। दामाद जी मेरी बात तो सुनिए। आप चुप रहिए, जितना सुनना था उतना सुन चुका हूँ मैं। किरण प्लीज शांत हो जाओ, घर जाके बात करते हैं। किसके घर पे? जब से ये मेरे साथ सारे संबंध तोड़ के चली गई है तब से मेरा उस घर से कोई नाता नहीं रहा। सुनिए इंस्पेक्टर, कल सुबह तक हर कीमत पे आपको मेरे बच्चे को लौटाना होगा वरना मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। कैसे पुलिस वाले हो, तुमसे एक बच्चे को ढूंढने को कहा, दूसरा बच्चा भी खो दिया। सर चलो बेटिया। हे भगवान, इस शहर के बच्चों की सुरक्षा के संबंध में विपक्ष की पार्टी के लोगों ने बहुत हंगामा किया। जल्दी से भागते हैं, इससे तो मेरा कैब का धंधा ही अच्छा था। सुरक्षित नहीं है। क्या कर रहा है, लगेज क्यों पैक कर रहा है?
उस बच्चे ने आइसक्रीम के लिए मुझे बाहर भेजा और मेरे आने तक वो कहीं भाग गया। अब वो बच्चा पुलिस स्टेशन जाएगा ये कंफर्म है, और मेरा नाम बोलेगा ये भी कंफर्म है, उसके बाद मेरा एनकाउंटर होगा ये भी कंफर्म। अरे बाप रे, नहीं भैया अभी मुझे बहुत जीना है, अभी तो मेरी शादी भी होने वाली है। ये कहाँ मिल गया तुम्हें? पुलिस स्टेशन के पास। अबे मैं तो ताला लगा कर गया था ना, तो तू बाहर कहाँ से निकला? कौन हो अंकल आप, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? और अब एक ब्रेकिंग न्यूज, पिछले हफ्ते किडनैप हुआ बच्चा जो प्रसिद्ध बिजनेसमैन प्रसाद राव का पोता है, जिसका नाम लव कुमार है, अब तक नहीं मिल पाया है। हैरत की बात यह है कि उस बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया था, उसके बाद फिर से उसकी किडनैपिंग हुई है। फिर हमारे सूत्रों से हमें सूचना मिली है कि उनके एक ही चेहरे के जुड़वा बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम है लव कुमार और दूसरे का नाम है कुशल कुमार। सूचना मिली है कि पति पत्नी अलग रह रहे हैं और एक एक बच्चे को पाल रहे हैं। आपको बता दें, जैसे ही इस फैमिली में एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे की किडनैपिंग हुई, पूरी मीडिया में सनसनी फैल गई है। भैया अब सारी बातें क्लियर हो गई। जो हमारे पास पहले था वो लव कुमार और ये है कुशल कुमार। अरे बाप रे, हमें पता भी नहीं चला और हमने दो दो बच्चे किडनैप कर लिए। वैसे भैया अब दूसरा वाला बच्चा गया किधर? अब मैं राइम बोलूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ बोलो। बाबू इन गवारों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तू मुझे इंग्लिश में बोल, मैं हिंदी में लोगों को ट्रांसलेट करता हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, चमकने वाला छोटा सा तारा। ए मेरे पीछे बोलो, चमकने वाला छोटा सा तारा। सही है। How I wonder what you are? ऐसा ही करके सोच रहा हूँ, ऐसा ही करके सोच रहा हूँ। Up above the world so high, ये दुनिया अपने सर से भी बड़ी है, ये दुनिया अपने सर से भी बड़ी है। Like a diamond in the sky, आसमान में हीरा जैसा चमक रहा है, आसमान में हीरा जैसा चमक रहा है। भाई आपका ट्रांसलेशन तो धूम से भी सॉलिड है। भाई तुम्हें बैटिंग करनी आती है? ए गली क्रिकेट टीम का कैप्टन था मैं। अरे भाई मैं उस बैटिंग की बात नहीं कर रहा। अरे और कितने टाइप की बैटिंग होती है? अरे वो नहीं भाई, वो अरे मुझे अभी तक मौका ही नहीं मिला रे। अभी तक क्यों नहीं भाई, अब तो बोनी कर लो। लेकिन वो मानेगी क्या? भाई ऐसी बातों में ज्यादा सोचने का नहीं, बस घोड़े पर सवार हो जाना चाहिए। भाई मैं बच्चे को लेकर बाहर चला जाता हूँ, तुम मौका है छक्का मार दो, चला जा बेटा। कॉमेडियन होके हीरो जैसा स्टाइल मार रहा है? फर्स्ट टाइम है? तो इतने दिन तक किसके लिए रुका था? तुझे नहीं लगता जिंदगी में थोड़ा लेट हो गया है तू? लाइफ में मैं दूसरे कामों में थोड़ा ज्यादा बिजी था, इसलिए मुझे लेट हो गया। ऐसा बांधा है तो बहुत मुश्किल होगी, छोड़ दिया तो बहुत मस्ती होगी। ऐसा क्या? 100%। बाप रे आज खुदा मुझ पे सच में मेहरबान है, अभी खोल रहा हूँ। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? फर्स्ट टाइम है ना, ऐसे ही शोर मचाते हैं। ए, भाई ने सेंचुरी पूरी कर ली। धत तेरी की, जो सोचा वो नहीं हो रहा है, कुछ और ही हो रहा है। कुशल? कुशल नहीं, मैं हूं लवा। तुम्हारी प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम दोनों कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हैं ये पता है तुम्हें? ऐसा होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमें जैसे पहले से ही पता था, लक राइट से आया और लेफ्ट से निकल गया और डायरेक्ट झूमंत। अंकल अंकल टूटूजा हाउ मच? क्या कहा? टूटूजा? अबे ये मुझे कैसे पता होगा? अच्छा? अगर इतना मुझे पता होता ना बच्चे, तो मेरी ऐसी हालत होती क्या? आपको कुछ भी नहीं पता? अच्छा ये बात तो मुझे पहले से ही पता है। ये क्या सोच रही है? ए, क्या हुआ? उस बच्चे को ऐसे क्यों देख रही हो तुम?
मेरी बहन का बेटा है वो। इतनी ओवर एक्टिंग मत करो, पेपर और टीवी में मैंने भी इस बच्चे को देखा है। देख लिया है, सबको इसके बारे में पता है। छे। अरे वो बात नहीं है, एक घंटे पहले ये बच्चा आइटम राज के पास था, फिर वो तुम लोगों के पास इतनी जल्दी कैसे आ गया? आइटम राजा? ये आइटम कौन है और बच्चा उसके पास कैसे गया? परसों कुशाल की चेन और रिंग लौटाने के लिए जब मैं उसके घर गई थी, एक बजाऊंगा तो मुंह गुलाब जामुन जैसा फूल जाएगा। तुझे पता है तेरे फिल्मी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए भाई ने एक रास्ता निकाला तो एक बच्चा किडनैप, उससे बचने के लिए दूसरा रास्ता निकाला तो दूसरा बच्चा किडनैप। तू जानती है हमने कुछ भी नहीं किया और हम पर दो बच्चों के किडनैप का इल्जाम लग गया। भैया तुझ जैसी चोरनी से सच्चा प्यार कर बैठा है और तू उसकी जिंदगी के साथ खेल रही है, तुझे उस पर जरा सा भी तरस नहीं आता? उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि दोनों हाथों से खर्च करने पर भी खत्म ना हो, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 25 लाख रुपयों के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ तुम्हारा प्यार है। मैं तो कहूंगी उन्हें प्लीज एक मौका दो। कुशाल, इतने दिनों से मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। आई लव यू। एजी, जरा इसे देखो। जो होना था वो हो गया, अभी जाकर बच्चे को पुलिस स्टेशन में दे आते हैं। बेटी अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्यों रे? इस बच्चे को किडनैप करके लाए हो ना? नहीं छोड़ूंगा तुमको, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम लोग। सच बोल रहा हूँ अंकल, ये किडनैप हम दोनों ने जानबूझकर नहीं किया। हाँ अंकल, ये बहुत बड़ी कहानी है। मुझे तुम लोगों की बातों पर पूरा यकीन है, अब तो मुझे खोल दो। नहीं कुशल भैया, बिल्कुल नहीं। अगर इस पर दया दिखाएंगे तो हम जेल चले जाएंगे। बोलो मंजूर है? अरे भाई मेरी पीठ में खुजली हो रही है बहुत जोरों की, मुझे खोल दो, खोल दो भाई। जी ऐसा मत करो, ये मेरे पापा के फ्रेंड है, छोड़ दो इन्हें। क्यों बेटे, क्यों इसे अपने पति की तरह एजी एजी करके बुला रही हो? एजी सुनो जी। अंकल आपको एक सेंसेशनल न्यूज बताओ। सेंसेशनल न्यूज ही है ना, तो फिर सुनाओ सुनाओ। यही है कुशल कुमार जिन्हें मेरे पापा ढूंढ रहे हैं। हाय अंकल। अरे बाप रे, रेस्ट गेस्ट और फिर ये नया ट्विस्ट, ये सब क्या है भाई? देखो सच सच बता दो, ये तुम्हारा होने वाला पति है? होने वाला हूँ। मैं अपनी 25 लाख वाली कैश पार्टी को फोन लगाता हूँ। सर एक्चुअली वो पेपर में जिस बच्चे का ऐड दिया है ना, वो हमारे पास है और वो बिल्कुल सुरक्षित है सर। आप बताइए कहाँ पहुँचाना है, हम उसे वहीं पहुँचा देंगे। ए, उसे जिंदा लौटाया तो 25 लाख, मुर्दा लौटाया तो 1 करोड़ दूंगा। हा? भगवान का शुक्र है ये बच्चा हमारे पास है इसलिए बच गया, लेकिन आइटम राजा के पास जो बच्चा है उसका क्या? अच्छा सुन भाई, बच्चे को पकड़ कर दिया तो 25 लाख दूंगा, ऐसा न्यूज़पेपर में दिया है। बच्चा मेरे पास है, पैसा लेकर आ और बच्चे को लेके जा। ए, उसे जिंदा लौटाया तो 25 लाख, मुर्दा लौटाया तो 1 करोड़ दूंगा। ये क्या रे, किडनैप से मर्डर का प्रमोशन दे रहा है? क्या पता भाई, वापस पूछो ना। अच्छा भाई तुम थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो रहे हो? नहीं मैं क्लियर हूँ, जिंदा लौटाया तो 25 लाख, मुर्दा दिया तो 1 करोड़ दूंगा। ए, उसे जिंदा लौटाया तो 25 लाख, मुर्दा लौटाया तो 1 करोड़ दूंगा।
ए, उसे जिंदा लौटाया तो 25 लाख, मुर्दा लौटाया तो 1 करोड़ दूंगा। ये आवाज किसकी आप बता सकते हैं? ये आवाज, ये तो हमारे विश्वा की आवाज है। विश्वा, वो कौन है? वो मेरी बेटी का क्लासमेट है। बचपन से ही उसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती है। दोनों एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। लेकिन उसे बच्चे को मारने की क्या जरूरत है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसकी आपसे कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? दुश्मनी कहे तो पढ़ाई के समय उसे मेरी बेटी से प्यार था, लेकिन मेरी बेटी दामाद जी से प्यार करती थी तो मैंने दोनों की शादी करवा दी। वो शादी में भी आया था और उसके बाद फिर 6 सालों तक नहीं दिखा। जब मेरी बेटी और दामाद अलग अलग हुए तब विश्वा मुझसे एक बार मिला था। अंकल, आप चाहो तो फिरिशा को एक नया जीवन दे सकता हूँ, उसे फूलों की तरह रखूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं श्रीसा से शादी करना चाहता हूँ। What? उठो, उठो, निकलो यहाँ से। वो अंकल, मेरी बेटी और दामाद में अभी डिवोर्स नहीं हुआ है कि वो लोग अपने लिए नया रिश्ता ढूंढ लें। बस थोड़ी सी नोक झोंक हुई है, दोनों समझ जाएंगे और फिर जल्दी एक हो जाएंगे। अंकल, मेरा ये मतलब नहीं था। कॉलेज के दिनों से ही मैं श्रीसा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब उसने शादी की तो मैं उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला गया। श्रीसा ने किरण को हमेशा के लिए छोड़ दिया है सोचकर मैंने ये बात कही, और कोई मतलब नहीं था मेरा। प्लीज अंकल, मुझे समझिए। उस दिन के बाद से वो हमारे फैमिली फ्रेंड की तरह हमसे घुल मिल करके रहने लगा। हमारे बच्चों का ख्याल हमसे कहीं ज्यादा रखता था वो। लेकिन वो हमारे बच्चों को मारना क्यों चाहता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। श्रीशा, I love you! तुझे और तेरी प्रॉपर्टी को पाने के लिए क्या नहीं किया मैंने? मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। जीतूंगा, जरूर जीतूंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। यूजलेस, तुझ पे लाखों खर्च किए फिर भी एक बच्चे को नहीं मार पाया। सोचा था तू बड़े काम की चीज है, इसलिए हायर किया। तेरे बदले गली के किसी गुंडे को काम दिया होता तो मुझे इतना टेंशन नहीं होता। असल में क्या हुआ? हर कोई फोन करके बच्चा मेरे पास है ऐसा बोल रहा है। पहले जाके उसका पता लगा, तू चल जा। एक काम करते हैं, सत्या को आइटम राजा का अड्डा कहाँ है वो पता है। हाँ, इसलिए सत्या को ले जाकर उस बच्चे को ले आते हैं। एक नंबर भैया, ये आइडिया तुम्हें पहले ही आना चाहिए था। जाओ बच्चे को ले आओ, जाओ। बट उस विश्वा का पूरा घर छान मारा सर, कोई फायदा नहीं। ओह नो सर, ये विश्वा की कॉल लिस्ट है सर, और इसके हिसाब से उसका सिग्नल जुबली हिल्स के पास का है, और 2 इंटरनेशनल कॉल्स भी इसमें लिस्टेड हैं। आपको एक बात बताना भूल गया हूँ सर, 3 दिन पहले मुझे सत्या का फोन आया था, बच्चा लौटाया तो पैसे मिलेंगे, ये कन्फर्म किया था उसने मुझसे। ये बात इतनी देर से बता रहे हो तुम, वो कहाँ रहती है?
बताओ ना भाई, उसे इसी घर में देखा था। ए, कौन हो तुम लोग? ए, बच्चे को उठा। ए, ए, छोड़ो, चल, क्या कर रहे हो? चल, छोड़ो इसे। इसको फोन कर दो। ए, 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 चलो। हेलो, हाय सुब्बू। हेलो, चल रहा है। हेलो सुब्बू, चल, उसे कुछ मत करना। चल, दरवाजा बंद कर दे, जल्दी जरा। ओए, कौन हो भाई तुम लोग? राजा, आइटम राजा। ए, भाई, कुर्सी में बांध के रखा है तो ये बहुत डेंजर आदमी होगा, इसके मुंह में रुमाल ढूंढ दे। ठीक है भाई, चुप रह। भाई, हमारे पास तो अबड्डा है नहीं, बच्चे को कहाँ ले चलेंगे? मामा, मिक्सी मामा। सुबू, सुबह लक्ष्मी, सुबू, सुबू कहाँ हो? सुबू, अंकल, सुबू, 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 बिना बताए कहाँ चले गए थे? ज्यादा चुट तो नहीं लगी ना कुछ? वो खुद को आइटम राजा कह रहा था और वो उस बच्चे को किसी मिक्सी मामा के पास लेकर गया है। मिक्सी मामा? मिक्सी मामा, ये नाम कहीं सुना सुना लगता है। हाँ, याद आया, एक बार जब वो बेवड़ा पीकर फुल टू टून हो गया था, तब मैंने खुद उठा के उसे उसके अड्डे पर उतारा था, तो मुझे पता है कि वो कहाँ है। चलो भैया। अरे, सुनो सुनो, मुझे खोल करके जाओ, तुम्हारा भला होगा। अंकल जी, केज में रहने वाले आपके एज में आपको चेजिंग और फाइटिंग की क्या जरूरत है? तुमने नहीं खोला तो मैं चिल्लाऊंगा जोर से। हाँ, क्या बात है, अच्छा याद दिलाया। भैया ठूस दो। अरे चलो 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 चलो। ए रेड नायडू, रेड नायडू, अरे अरे, ये क्या हुआ तुम्हें? ये किसने किया? काम चोर, खोल जल्दी। क्या हुआ? इसने कितने छोटे कपड़े पहने हैं? ये क्या है, इस उम्र में ये सब शोभा देता है क्या? अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? अच्छा मुंह बंद है। अरे घर में एक जवान लड़की है और तू ये सब देख रहा है? हे भगवान, वो टीवी चालू करके मुझे बांधने वाला तुम्हारा समाधि है। क्या कुशल यहाँ पर आया है? लो, वो कहीं गया ही कब था जो यहाँ आएगा, एक महीने से यहीं पर मर रहा है। और एक बात जान लो, जैसी तुम्हारी बेटी है ना, तो तुम्हें दर दर भटकते रहना पड़ेगा जिंदगी भर। और ये भी जान लो कि इस कहानी का स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, सारा कुछ तुम्हारी बेटी का। क्या? पीछे पीछे पीछे, मामा क्या है रे? मिक्सी मामा, राउडीज को और गुंडों को मिक्सी में घुमाने से बनता है मिक्सी मामा। पता है मामा, क्या गेटअप है, क्या सेटअप है। सुन रे, कल मैंने कोरियन फिल्म देखी, उनका सेटअप अच्छा लगा, इसीलिए गेटअप चेंज कर डाला। आप भी ना मामा। या कम टू द पॉइंट, इन बच्चों को देखो मामा। ये किसे है? क्यों रे, जब तू बोल नहीं पाता था तब भी मामा ही बोलता था। तेरी शादी हो गई और दो बच्चों का बाप भी हो गया, तब मामा की याद आई तुझे? मामा, तुमसे मिले कितना टाइम हुआ? 6 months, 6 महीने। ये महीने में 6 साल का बच्चा होगा? तो फिर ये किसके हैं? ये है मैटर। नो मामा, ये डील करवा दो मामा, 2 करोड़ मांगेगा, एक अपने लिए, एक मेरे लिए। एक तू लेगा, एक मुझे देगा, हम दोनों बराबर हैं क्या? 3 करोड़ वसूल उससे, 2 मेरे और 1 तेरा। हेलो, मिक्सी राजा स्पीकिंग। कौन सा राजा? मिक्सी राजा, राउडियों को और गुंडों को मिक्सर में डालकर बनता है मिक्सी राजा। तुमसे पहले तो किसी आइटम राजा ने फोन किया था? वो मेरा भांजा है, मैं उसका मामा हूँ। चुपचाप काम की बात कर, अभी दोनों बच्चे मेरे ही पास है। 3 करोड़ दोगे तो बच्चे तुम्हारे पास, नहीं तो हो जाएंगे पुलिस स्टेशन में जमा। रुक, पैसा कहाँ लाना है ये बता। ओके। भाई, 3 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 10-15 होता होगा बे। ए गमार, इधर आना। 10-15 नहीं भांजे, 12 होते हैं। आप कह रहे हो तो डेफिनेटली होगा। भैया, अब देखो मेरा जलवा।
एक्सक्यूज मी, हाय सर। एक्चुअली सर ने मुझे आपको 3 करोड़ देने के लिए भेजा है। कैश कहाँ है? कैश नहीं सर, चेक है। ये चेक है या किसी के मैयत की चादर? अब मैं समझाता हूँ सर, वो 1 लाख या 10 लाख की बात हो तो छोटा छोटा चेक दे देते हैं, लेकिन बात करोड़ों की है ना, इसलिए बड़ा चेक दे दिया। हाँ, सच है मामा, मैन ऑफ द मैच को ऐसा ही चेक मिलता है, मैंने देखा है। हाँ सच में। ठीक है, इसमें 0 कितने हैं जरा गिनना तो। 2, 4, 6, 8, 10, 12 है मामा। अब यार हमारे पास बैंक अकाउंट कहाँ है? सर ये बैरर चेक है सर, इसे बैंक में दिखाओगे ना तो डायरेक्ट कैश दे देंगे। सुपर्ब यार, आज से हम लोग चेक ही लेंगे, नो कैश। या या सर, बच्चा इसे 2 में से 1 बच्चा दे दो। और 1 बच्चा कहाँ है सर? अब 3 करोड़ और देकर दूसरे बच्चे को ले जाओ। सर अरे भगाना इसको यहाँ पे। चल निकल निकल, मामा ने कहा ना निकल। आप सुपर है मामा, जकास। तू अब तक यहाँ क्या कर रहा है? ए, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, दूसरा बच्चा तुझे नहीं मिलेगा। इज्जत से 3 करोड़ लेकर आ और दूसरे को लेकर जा। हाँ हाँ ठीक है, चल निकल। मामा एक बार चेक फिर से पकड़ने दो ना प्लीज। ए, इधर मिक्सी राजा कौन है? मिक्सी राजा, इस कटआउट के पास बहुत कंटेंट है, काउंटर वेस्ट किया तो एनकाउंटर कर दूंगा। बच्चे कहाँ पे हैं? बच्चे लोग नहीं, बच्चा। दोनों बच्चे तेरे पास है, ऐसा तूने फोन पे कहा था ना मुझसे? तेरा पंटर आया था, 3 करोड़ का चेक देकर 1 बच्चा लेकर गया। चेक? कैसा चेक? ए, तेरे चमचे का दिया हुआ चेक है, 12 जीरो है, गिन के देख ले। क्या हुआ, चेक देखकर चक्कर आ गया? ये कैसा चेक है? तूने ही तो भेजा है, अच्छी तरह से देख ले, 3 करोड़ का चेक है, 3 के आगे 12 जीरो भी हैं, बैरर चेक है। ए डफर, 3 करोड़ का कोई बैरर चेक देता है क्या? तुझे कोई चूना लगा गया, ये चेक नहीं चाल है। खाली सूट बूट पहनने से कोई डॉन नहीं हो जाता। उस दूसरे बच्चे को लेके आ मेरे पास। एक धोखा खा लिया, हम दूसरी खा सकते नहीं, कैश पे डिलीवरी, वरना हम तुझे पहचानते नहीं। ए, अब क्या बोलता है बोल, इज्जत से बच्चा देगा कि नहीं? भाई, भाई, अरे तू बच्चा क्यों नहीं लाया? बच्चे को बोलो गाड़ी में ले जा रहे हैं। ए, क्या कर, पकड़ो उन्हें। भाई क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही है यार। स्टार्ट करो, क्या कर रहे हो? चलो उतरो सत्या, चलो चलो। Oh!
उधर देखो उधर देखो, वो तुम्हारी बेटी है ना। बाप रे पापा, ओफो, हेलो पापा। बेटी, दामाद ने फिर फोन किया था क्या? हाँ किया था ना पापा, वो काशी चले गए हैं। ओ अच्छा, तो थोड़ा सा यू टर्न तो मारना बेटी। बाप रे, अब यहाँ से कैसे जाऊंगा? अंकल, बच्चों को इन लोगों ने किडनैप किया। अंकल, मैंने बचाने की कोशिश की तो देखिए मेरा क्या हाल किया। बंद कर तू ये अपनी एक्टिंग। बहुत होशियार बनता है ना, चल तुझे बताता हूँ मैं। तुम दोनों भाई हो क्या? नहीं अंकल। कमाल की बात है। अच्छा बेटा, तुम दोनों ने सिर्फ हमारे बच्चे को ही नहीं ढूंढा, मेरी बेटी और दामाद को भी दोबारा एक कर दिया। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे बाप रे, ये पैसे देगा कि नहीं? सर, बच्चों को लौटा देंगे तो 50 लाख रुपए कैश मिलेगा, ऐसा न्यूज़पेपर में ऐड दिया था। हाँ। तो फिर ये तो मेरा दामाद जैसा लग रहा है। ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? ओए, कौन हो तुम? मैं कुशल का अंकल हूँ, सुब्बो मेरी बेटी है। तो मेरे ससुर हुए। थैंक यू सर। असली चेक मिलता है मामा। जा बात करो ना, मुझे देगा क्या? देगा मामा, जाओ तो। जाओ ना मामा, जाओ ना। नमस्कार सर। आपके दोनों पोतों को बहुत संभाल के रखा है सर, और इतने लोगों को पालने के लिए बहुत पैसा लगता है सर, तो थोड़ा सा कुछ हमारे नाम पे भी कर दो सर। सर बहुत दिलदार है। ये लो चेक। फिर से बेरर चेक।